हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक फ़ोन है, रेडमी का नोट 8, जो कि क्वालकॉम का सीपीयू है, एमआई का फ़ोन। इसके अंदर ईएमएमसी का प्रॉब्लम है, ईएमएमसी डेड है, और ये एक फ़ोन ऑलरेडी मेरे पास एक टेक्नीशियन से आया है। ऑलरेडी उसने कुछ किया होगा उसमें, उसकी ईएमएमसी निकाल के चेक वगैरह किया, तो उसकी ईएमएमसी डेड है। उसके अंदर एसके हैनिक्स का बता रहा था और उसके अंदर ईएमएमसी उसका डेड है, और उसके बाद उसने ये हिंसट मेरे पास भेजा है कि ये एमएमसी का चेंज करके देना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, नोट 8 का एमएमसी चेंज कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा विद ड्यूल नेटवर्क के साथ। हाँ, इसके अंदर ड्यूल नेटवर्क भी कैसे रिपेयर करते हैं हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको इसमें ड्यूल सिक्योरिटी कैसे रिपेयर करना है। स्टेप पहले 1 क्या होगा, उसके बाद इसके अंदर रजिस्टर का भी कुछ हार्डवेयर मेथड भी है जिसमें आपको ड्यूल नेटवर्क के लिए या एनवी डाटा स्क्रिप्टेड का जो मैसेज आता है उसका भी आपको उसका सॉल्यूशन वही इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खुला हुआ फोन है, ऑलरेडी पैनल विनल सब उसके पास है, इसने से भी ये फोन भेजा हुआ है, और इसका ईएमएमसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ईएमएमसी इसका निकला हुआ है। ऑलरेडी इसने काम किया था, आप देख सकते हैं ईएमएमसी इसके अंदर डेट था, तो उसने ईएमएमसी के लिए मेरे पास चेंज के लिए भेजा हुआ है। अब मैं इसके अंदर लाइव आपको ईएमएमसी चेंज करके बताऊंगा, और मैं इसकी ऑलरेडी एक ईएमएमसी ले चुका हूँ कॉम्पेटिबल, जो हमारे कॉम्पेटिबल से हम लेते हैं फोन माइक्रो डीबी से, या उसके अंदर जैसे कि नोट 6 प्रो में भी हम जैसे कॉम्पेटिबल लेते हैं ईएमएमसी, सेम एज वैसे ही इसके अंदर वही ईएमएमसी चलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एक ईएमएमसी मेरे पास सैमसंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है SEC B422 और KMDH6001DM, जो के 464 GB का स्टोरेज होता है, सैमसंग का ईएमएमसी है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसका पूरा कॉम्पेटिबल लेके रखा हुआ है, इसका आरपीएम भी ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है। मैं एक बार आपको यहाँ पे लाइव बताऊंगा आरपीएम भी का कैसा क्लीन किया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको उसको प्रोग्रामिंग के साथ बताऊंगा स्टेप 1 क्या क्या करना है प्रोसेस। तो चलो आते हैं हमारे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, स्टॉप करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम ईएमएमसी को यहाँ पे चेक कर लेंगे, लगा लेते हम यहाँ पे यूफाई के अडेप्टर में बॉक्स में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूफाई का टूल ओपन कर लेंगे, सबसे पहले ईएमएमसी टूल बॉक्स। थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो चुका है, और सबसे पहले आइडेंटिफाई ईएमएमसी को यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने लगा लिया है बॉक्स में ईएमएमसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएमएमसी मेरे यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पे ऑलरेडी इसका आरपीएम भी क्लीन किया हुआ है, देख सकते हैं अब यहाँ पे, और 64 GB का इसका स्टोरेज है। एक बार इसका हेल्थ भी हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका नॉर्मल है हेल्थ, 0 to 10 दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल बता रहा है। तो यहाँ ईएमएमसी ऑलरेडी आरपीएम भी क्लीन करके रखा हुआ है। अब सिंपली इसके अंदर सिर्फ हम इसके अंदर क्वालकॉम का बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, और इसको ईएमएमसी को हम फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको ईएमटी से फ्लैश करेंगे टोटल, मतलब ईओएफआई से। सिर्फ मैं आपको यहाँ ईएमएमसी बता रहा था कि हमने जो ईएमएमसी कॉम्पेटेबल लिए वही ईएमएमसी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आरपीएम भी क्लीन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली क्वालकॉम का बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेता हूँ, 0x38 का कोड आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हो चुका है राइट हमारा, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0x38 इसका क्वालकॉम का कोड आ चुका है, और सिंपली अब इसको ईएमएमसी हम निकालेंगे। इसके बाद ये ईएमएमसी हम बॉक्स में लगा बोर्ड में लगाएंगे, फिक्स कर देंगे, और उसके बाद ईएमटी से इसको फ्लैश कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ईएमएमसी को मैं वो बोर्ड में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है और क्लीन किया हुआ पूरा अच्छी तरीके से। Thank you.
तो यहाँ पे इमिनसी को हमने फिक्स कर दिया है, जिसके अंदर फॉर्मवेयर हमने नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इमिनसी को क्लीन करके बूट कॉन्फ़िगरेशन राइट करके सीधा डायरेक्टली हमने इसके बोर्ड में लगा दिए, और ये अब तो डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा, हम यहाँ पे लाइव देखेंगे। थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे इसको हम फोन में लगा लेंगे और इसको फ्लैश कर लेंगे हम UMTs से। तो सबसे पहले इसके अंदर ENG रोम फ्लैश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ENG रोम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका सिक्योरिटी राइट हो जाए, मतलब जो इसके अंदर ड्यूअल सिक्योरिटी होगा, क्योंकि नॉर्मल वाले में पोर्ट इनेबल नहीं करता है, तो इसके अंदर ENG रोम डालना होता है जिससे आपका डाइक पोर्ट इनेबल करेगा और उससे आपको इजी वे में सिक्योरिटी रिपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको EMMC फ्लैश करके दिखा देता हूँ। एक बार EMMC हमने यहाँ पे लगा चुके हैं और सिंपली मैं यहाँ पे फोन को फ्लैश कर लेता हूँ एक बार। तो पहले पोर्ट बना लेगा, ये डायरेक्टली पोर्ट बना लेगा कॉलकॉम का। तो मैं यहाँ पे एक बार डिवाइस मैनेजर में दिखा देता हूँ कि ये कॉलकॉम का पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। इसका टाटा केबल शायद ये नहीं है, लगा लेंगे। चार्जिंग वाले केबल से पोर्ट नहीं बनाएगा तो यहाँ पे डाटा केबल लगा लेंगे एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट बना लिया है, ऑटो पोर्ट बना लिया हमारा। देख सकते हैं यहाँ पे कॉलकॉम का आ चुका है, कॉलकॉम HS USB QD लोडर 9008 का पोर्ट बना दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम UFI को रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे UMT का डोंगल लगा लेंगे। और मेरे पास इसकी फाइल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मेरे पास डेस्कटॉप पे इसकी फाइल रखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ENG रोम है, Redmi Note 8 ENG फॉर्मवेयर ऑल बोर्ड। इसके अंदर बोर्ड ID का भी इशू होता है, बोर्ड ID 1, बोर्ड ID 2 और बोर्ड ID 3, 4 ऐसा बोल के वर्जन भी आते हैं आपके फोन्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑल बोर्ड ID बोल के एक फॉर्मवेयर है मेरे पास, आपको ये गेटवे रोम से मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है आपको मतलब गेटवे रोम से परचेस करना रहता है फाइल, ये पेड वाले फाइल्स होते हैं, फ्री वाले फाइल्स में इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, इसको आपको खरीदना होगा। उसके बाद यहाँ पे Note 8 का फॉर्मवेयर भी मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद हम ये नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर लेंगे और इसको फोन ऑन करके आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले मैं ENG रोम से फ्लैश करके आपको पहले ENG रोम में ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलकॉम का टूल ओपन कर लेंगे, QC फायर UMT का। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे फाइल को लोड कर लेते हैं और सबसे पहले हम आते हैं ENG रोम पे और रो प्रोग्राम अनस्पेयर, उसके बाद फ्लैश पे क्लिक कर लेंगे और फ़ोन को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली पोर्ट बना लेगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। जो पहले प्रॉब्लम आया था फॉरबिटन, जो उसके लिए तो आपको पता ही होगा वो USB जो शेयरिंग वाला टूल होता है उसके आपका ब्लॉक कर देता है, UMT टूल ओपन नहीं होने देता है या बहुत सारे टूल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते। तो वो जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो टूल को अनइंस्टॉल कर दो फिर आपका काम स्टार्ट। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ENG रोम फ्लैश हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम लगेगा फ्लैशिंग होने के बाद, फिर हम ऑन करेंगे फ़ोन को ENG रोम में ऑन करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिक्योरिटी भी बता दूंगा इसका कैसे राइट करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वेट करेंगे यहाँ पे पूरा फ्लैश होने तक, उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं कंटिन्यू करूँगा इसके बाद क्या करना है स्टेप बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और एक बार हम बैटरी लगा के यहाँ पे आपको दिखा देंगे, जैसे कि ENG रूम में हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे Redmi नाम आ गया है, तो
ये हमारा ENG रूम जो चाइनीज रूम होता है इसमें ऑन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड हमारा लिख के आ चुका है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पूरा ऑन हो चुका है फ़ोन ENG रूम में। आप देख सकते हैं नोटेड हमारा, और इसमें सबसे पहले IMEI नंबर आपको इसमें है या नहीं ये बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है पूरा, मतलब ब्लैंक है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपका बेसबैंड तो वैसे ही रिपेयर हो जाता है ENG रूम में, सिर्फ आपको IMEI नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बिल्ड नंबर बता रहा है, मतलब आपका बेसबैंड सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको सिक्योरिटी रिपेयर करना है तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आपको इसका IMEI नंबर डालना है, और IMEI नंबर याद रखिए जो ओरिजिनल होता है कस्टमर का वही डालना है, आपको गलत काम इलीगल काम नहीं करना, इस तरह से किसी और का भी नहीं डालना है। जो फ़ोन्स में होता है या फिर आप देख सकते हैं स्टिकर वगैरह का भी आपको फ़ोन में देखने मिल जाएगा, वो वाले आप स्टिकर के IMEI नंबर डाल सकते हैं। गलत वाला कभी काम मत करिए, इसके लिए हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और आप भी नहीं करना चाहिए। अच्छी बात ये नहीं है कि आप वो किसी और का फ़ोन का निकाल के डालना है, जो है ओरिजिनल वगैरह काम करिए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और UEFI का एंड्रॉयड टूल से हम इसको रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे UEFI का एंड्रॉयड टूल है, उससे हम इसको रिपेयर कर लेंगे। अभी UMT से तो नहीं करेंगे, सिंपली डायरेक्ट हम आ जाते हैं UEFI के टूल पे। सबसे पहले इसका डायरेक्ट पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है मैं आपको डिवाइस मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या बना आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट बनाने लगा है, क्वालकॉम HS USB डायरेक्ट पोर्ट। ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पोर्ट नहीं बनाएगा तो आपका सिक्योरिटी रिपेयर होगा ही नहीं, इसकी वजह से फिर आप प्रॉब्लम आ जाएंगे या फिर आपका रिपेयर नहीं कर पाएंगे आप सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपका पोर्ट बना चुका है। अब मैं फिर से UMT निकाल के UEFI का बॉक्स लगा देता हूँ और यहाँ पे एंड्रॉयड टूल बॉक्स हम ओपन कर लेंगे। तो ये आपके सामने पूरा लाइव हो रहा है, कोई फेक वीडियो नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह राइट होके मैं आपको फुल पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, जो कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे होंगे और उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना करिए, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ठीक से समझ में आएगा कि करना क्या है, कहाँ पे आप मिस कर रहे हो। तो आ जाते हैं यहाँ पे सर्विस वाले टैब में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, नोटिस दे रहा है। तो आप यहाँ पे एक हिसाब से अच्छे से काम करिए, कुछ मतलब चेंज वाला काम मत करिए, जो है उसी का ही डालिए। तो सिंपली यहाँ पे ओके कर लेते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म हमें क्वालकॉम लेना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट बना चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे IMEI को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इसका IMEI नंबर है, मैं इसको कॉपी करके उसमें डाल देता हूँ। तो इसका लास्ट का डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि 14 नंबर डिजिट ये कॉपी कर लेता है, उसके बाद ये बाकी का ले लेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों भी ले लेगा, हमें सिर्फ एक में ही डालना है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे टिक लगा लेंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों भी आ चुका है। उसके बाद इसके अंदर QCN फाइल डालना है टेस्टेड वाली, तो मेरे पास भी इसका QCN फाइल है, Redmi Note 8 Samsung BID, मेरा बोर्ड ID जो है 1.29 है। तो यहाँ पे ये बोर्ड ID का मैं नंबर, यहाँ पे ये मेरे पास फाइल है QCN का, ये मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा QCN फाइल भी आ चुका है, और सिंपली मैं यहाँ पे QCN राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे QCN फाइल यहाँ पे राइट हो रही है। उसके बाद फ़ोन रिबूट हो जाएगा, रिबूट होने के बाद आपको यहाँ पे मैं सिक्योरिटी का बता दूंगा कि ये सिक्योरिटी राइट हुआ नहीं हुआ, ड्यूल IMEI में हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आपको फ्लैश करना है नॉर्मल जो MIUI 10 वाली फाइल आती है, टेस्टेड EMMC चेंज फाइल से फ्लैश करना है। तो आपका लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे प्रोसेसिंग EFS में नीचे लिखा रहा है, अभी आपको फ़ोन डिसकनेक्ट नहीं करना है, ये अभी भी वर्किंग में है, सिक्योरिटी इसका राइट हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ
30-40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग बता रहा है, वेट करेंगे, जल्दबाज करिए मत और फ़ोन को डिसकनेक्ट ना करिए जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपको फ़ोन को रिमूव करना नहीं है। अभी भी प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करते, कभी तो ये 20 सेकेंड में हो जाता है, कभी 30, अभी तो ये 1 मिनट के आसपास चला गया है, 1 मिनट के ऊपर हो गया, देखेंगे और कितना टाइम लेगा। जब तक ये होगा नहीं, जब तक वेट करना है आपको, फ़ोन को डिसकनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोसेस यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपका काम नहीं। तो यहाँ देख सकते EFS डन लिख के आ गया है, सिंक्रोनाइजिंग EFS डन हो गया है। अभी भी यहाँ पे वेट करिए, ये सिंक्रोनाइजिंग EFS हो रहा है, अब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, फ़ोन यहाँ पे रिबूट हो गया है, देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट कर लिया फ़ोन ने। अब इसके अंदर ऑन होने के बाद मैं आपको सिक्योरिटी बता देता हूँ, ये हमारा जो सिक्योरिटी हमने डाले थे वो यहाँ पे आया है या नहीं आया, वो भी ड्यूल IMEI के साथ, सिंगल वाला नहीं है, ड्यूल के साथ करेंगे हम। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, एक बार फिर मैं यहाँ पे डायलर पैड में आ जाता हूँ और इसको मैं 0#, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ड्यूल सिक्योरिटी आ चुका है, दोनों भी आ गया है, जो मैंने डाला था वही आया है। अब आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको फिर वापस UMT में आना है, क्योंकि फ्लैशिंग करने के लिए अब इसके अंदर जो नॉर्मल फाइल आती है, जो हमारी EMM से चेंज फाइल आती है, MIUI 10 वाली फाइल से हम इसको फ्लैश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना इन तक, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे UFI डिसकनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं UMT को, उसके बाद फिर से QC फायर का टूल ओपन कर लेंगे। तो मेरे पास उसकी फ्लैश फाइल जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडमी नोट 8 और यहाँ पे देख सकते हैं जिंगो EMMC ग्लोबल वर्जन, MIUI वर्जन 10.3.5.0, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फाइल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली इससे फ्लैश करूँगा। इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इसमें DevCFG फाइल डालना है, ना कोई स्पेशली ऑलरेडी बनी हुई फाइल है। तो यहाँ पे ये फाइल को मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें रो प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट कर लेना है और पैक 0 को भी एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा फ़ोन EDL मोड में कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे ये EDL टेस्ट पॉइंट होता है, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे EDL टेस्ट पॉइंट है, तो इसको मैं सिंपली कनेक्ट कर लेता हूँ। EDL टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करने के लिए ये दो पॉइंट को शॉर्ट कर लेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पोर्ट बना लिया और फ्लैशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्लैशिंग में, 5 मिनट्स तो लगेंगे, जब तक मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हमारा प्रोसेस हो गया है, यहाँ पे फ्लैशिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बार बैटरी लगा लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा फ़ोन Redmi का नाम आ चुका है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा फ़ोन क्या कंडीशन में आ जाएगा। तब ये फर्स्ट लोगो पे स्टक है, देख सकते हैं आप,
अगर यहाँ पे एंड्रॉयड स्टार्टिंग लिख के आ जाएगा तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा सेकेंड लोगो आने के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लोगो आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ, जैसे कि सेकेंड लोगो आने के बाद आपका फ़ोन रिबूट हो जाता है और रिकवरी मोड में चला जाता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आता है एनवी डाटा इज करप्टेड। जी फ्रेंड्स यहाँ पे एनवी डाटा इज करप्टेड आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ये पहले से ही इसका काम कर चुका हूँ, इसके लिए यहाँ पे मेरे फ़ोन में नहीं आएगा। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि वो क्या करना होता है, कौन सा रजिस्टर आपको कहाँ पे क्या लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको मैं शो करूँगा, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका रजिस्टर वो चेंज कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बताता हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपको रजिस्टर कहाँ पे चेंज करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पावर एसी का सेक्शन है हमारा, PM A632 का जो सेक्शन होता है यहाँ पे ये सेक्शन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको ये दो रजिस्टर पे काम करना है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। तो ये वाला जो रजिस्टर है इस पे 100K का लगाना होगा, और ये वाला जो रजिस्टर है इस पे 10K का रजिस्टर। जी फ्रेंड्स ये दो रजिस्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला याद रखिए 100K यहाँ पे चेंज करेंगे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 10K का रजिस्टर। उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन जो एनवी डाटा इज करप्टेड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैंने इसका चेंज किया हुआ है रजिस्टर, इसके लिए मेरा एनवी डाटा करप्टेड नहीं आएगा। फिर मैं आपको इसके अंदर ड्यूअल सिम बता के मैं इसमें सिम भी आपके सामने डाल के चेक कराऊंगा कि ये वाकई में नेटवर्क मतलब सॉल्व है या इसमें सिम आएगा नहीं आएगा नेटवर्क, वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊंगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी तक मेरा एनवी डाटा इस करप्टेड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये यहाँ पे कि अगर आपको इस लेवल का अगर काम सीखना चाहते हो, EMMC चेंज करने में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब कहीं भी कहीं ना कहीं फंस जाते हो, वो प्रॉपर वे का नॉलेज नहीं है, तो अभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास फोन फिक्स में। 27 दिसंबर का बैच हमारा अभी बुकिंग में चल रहा है, तो आपकी अभी कुछ फ्यू सिटी जो सीट्स है हमारी अभी बाकी है, तो हमारी सीट बुक कर सकते हैं। और आप जल्द से जल्द ये इस तरह का अगर काम सीखना चाहते हैं तो फोन फिक्स को ज्वाइन करिए। जी फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट लोगों पे फर्स्ट टाइम जब ऑन होता है तो 5 मिनट का कम से कम टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से खड़े कर देता हूँ फोन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ रही है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमारा MIUI 10 आ चुका है। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, नेक्स्ट सेटअप कर लेंगे पूरा। थोड़ा ब्राइटनेस कम है इसका, ऑन होने के बाद ब्राइटनेस हम इसको फुल कर लेंगे, शायद आपको इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने नोटेटिक का EMMC चेंज किया है, और इसमें हमने कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है कि क्या हमने क्या क्या काम करना है कैसे करना है। तो ये जो फाइलें होती है ये फाइलें फ्री नहीं मिलती है। जी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि किस तरह काम करना है। ये स्टेप में तो आपको कोई भी स्किप नहीं किया, ना कोई फेक वीडियो बताया हमने, ये वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा लाइव बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फाइल वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको फोन फिक्स को ज्वाइन करना होगा। आपको सारा सॉल्यूशंस वगैरह फाइल्स वो हम यहाँ पे स्टूडेंट को एकदम फ्री में देते हैं। पूरा टेस्टेड वाले फाइल्स होते हैं, EMMC चेंज वाले फाइल्स होते हैं, डम फाइल्स होते हैं, फ्लैश फाइल्स होते हैं, QCN फाइल्स, IMA वाले फाइल्स होते हैं। ये सारा हमारे पास डाटा बना हुआ रहता है जो टेस्टेड वाला रहता है, हम यहाँ पे वो स्टूडेंट को फ्री में देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशन आपको फ्री में बताएंगे, बाकी का जो आपको अगर चाहिए तो हमारे फ़ोन फिक्स को ज्वाइन करिए। 27 दिसंबर का बैच अभी बुकिंग में हमारा चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सेटअप लास्ट कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास सिम है। एक बार हम सिम इसके अंदर लगा के आपको नेटवर्क भी दिखा देंगे, पहले इसको ऑन होने देंगे पूरा कंप्लीटली।
थोड़ा टाइम लेता है, वेट करेंगे। अभी भी यहाँ पे लोडिंग एप्स हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस, थोड़ा सा वेट करेंगे स्क्रीन आने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है। सबसे पहले मैं इसका ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ठीक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। MIUI वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, और मेरा बेस बैंड भी यहाँ पे कम्प्लीटली ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करा देता हूँ कि इसमें मेरा ड्यूल सिम का IMEI नंबर शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दोनों IMEI नंबर आ चुका है। एक बार मैं आपको सिम भी डाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क का RF केबल लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा लिए। और एक बार मैं आपको यहाँ पर सिम डाल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिम इंसर्ट कर लिया। एक बार वेट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिम लगाने के बाद अभी सिम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टावर नहीं आया, नेटवर्क नहीं आया। वेट कर, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 4G का सिम आ चुका है, जियो का सिम जो हमने यहाँ पे लगा दिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम आ चुका है, वोल्टी के साथ आ चुका है नेटवर्क हमारा, जो कि ड्यूल नेटवर्क के साथ हमने यहाँ पे लाइव आपको पूरा रिपेयर करके दिखाया है। विथ नेटवर्क के साथ ड्यूल सिम एंड विथ नेटवर्क लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया नोट 8 MAI ड्यूल नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर आपको काम सीखना है तो हमारे फोनफिक्स को ज्वाइन करिए। हमारा 27 दिसंबर का बैच हमारा बुकिंग चल रहा है, और आप आ सकते हैं, हमारे नीचे नंबर दिए उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसी नंबर पे आप कॉल करके और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी अगर आपको नया वीडियो हमारे चैनल पे आएगा तो आपको यहाँ पे बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे पास कोई नया वीडियो आ गया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, सब कुछ है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।